एक्सरसाइज 13.2 को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स, एक स्वीट्स का बॉक्स है, इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस, कि जो स्वीट्स का बॉक्स है वो किसके अंदर डिवाइड हो गया, 24 चिल्ड्रंस पर डिवाइड हो गया। फिर कह रहे हैं दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, कि हर एक एक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिली हैं, 5 स्वीट्स मिली हैं। हाउ मेनी वुड ईच गेट, ठीक है, वो कह रहे हैं कि टोटल तो एक तो स्वीट्स कितनी होगी, इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अब कह रहे हैं कि अगर जो टोटल चिल्ड्रंस में से 4 रिड्यूस कर दे, कम कर दे, तो एक एक बच्चे के पास कितनी स्वीट्स मिलेगी, ठीक है, तो हमें ये बता। तो देखो सबसे पहले क्या है, ईच चाइल्ड गेट, कि एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिल रही है, गिवन है हमारे पास कितनी है, 5 स्वीट्स। अब कह रहा है कि 24 चिल्ड्रंस मिल गए और टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं, 24, तो जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि टोटल स्वीट्स कितनी होगी, एक बच्चे के पास 5 है तो 24 स्टूडेंट्स के पास कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई 24 क्या आ जाएगा, 120। तो इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी होगी, 120, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, अब कह रहे हैं जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है इज रिड्यूस बाय 4, अब जो चिल्ड्रंस है वो 4 कम हो गए, तो टोटल थे कितने, 24, कितने कम हो गए, 4, तो कितने बच गए अब स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स बच गए, है ना। अब उसके बाद ये देखो फिर ये कह रहे हैं नाउ ईच चिल्ड्रन विल गेट द स्वीट्स, अब हर एक एक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमारे पास टोटल स्वीट्स कितनी है, 120, है ना, और हमारे पास अब स्टूडेंट्स कितने हैं, 20, जब हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6। इसका मतलब है कि जब हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं टोटल उसमें से 4 क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसके बाद हर एक एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 6 स्वीट्स मिलेंगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से करना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स, क्या कह रहे हैं कि फार्मर के पास इनफ फूड है टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, कि अपने जो उसके कैटल है उसके जो पशु हैं उनको 6 दिन तक खाना खिलाने के लिए जो 20 एनिमल्स है उसके पास, कि उसके पास इनफ फूड है, हाउ लॉन्ग फूड लास्ट इफ देयर आर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल, अगर वो क्या करता है 20 एनिमल्स जो उसके पास थे उसमें से वो 10 और बढ़ा देता है तो उसका जो खाना है वो कितने दिन तक चलेगा, ठीक है, ये बता दें। तो अभी देखो लेट द नंबर ऑफ डेज, हम नंबर ऑफ डेज को लेट करते हैं, हमने मान लिया एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ डेज मान लिया हमने एक्स, हमें वही बताना है ना कि अगर 20 से इंक्रीज हो जाते हैं हमारे एनिमल्स तो जो उसके पास खाना है, उसके पास जो फूड है वो 6 डेज की बजाय कितने दिन और चलेगा, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हो जाएंगे, 20 तो उसके पास थे और 10 उसने और ऐड कर लिए, ठीक है, तो कितने एनिमल्स हो गए, 30 एनिमल्स हो गए। तो हमारी टेबल किस तरह से बनेगी, एनिमल्स एंड डेज के ऊपर, जब 20 एनिमल्स थे तो कितने दिन उनका खाना चल रहा था, 6 डेज, आप ये कह रहे हैं जब इनके पास 30 एनिमल्स है तो इनका कितने दिन तक खाना चलेगा, वो कितना है, हमने एक्स लेट किया, ठीक है। तो अब हमें इसी के थ्रू क्या निकालना है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन निकालना है। आगे देखो हियर द नंबर ऑफ एनिमल्स, अब नंबर ऑफ एनिमल्स हम किस तरह से निकालेंगे, 20/6 और यहाँ पर इज इक्वल टू 30/x। अब हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, मतलब अगर हमने 10 एनिमल्स और ऐड कर दिए तो हमारा जो फूड है वो कितने दिन तक चल पाएगा, 4 डेज के लिए चल पाएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप की क्वेश्चन इस तरह से करने हैं, और जो आगे की क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।